राइज ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट्स. ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस, द राइज ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट्स. ठीक है, चलो अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देता हूँ पहले, ताकि तुम लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बने कि किस तरीके से ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, इट्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. हजरत अबू हुरैरा से ये रिवायत है, ठीक है, और ये सही मुस्लिम की मैं आपके सामने रिवायत कोट करता हूँ. प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि एक बार मैं प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि एक बार मैं आराम फरमा रहा था. ठीक है, सो प्रॉफिट मोहम्मद वॉज वन डे स्लीपिंग, वन नाइट ही वॉज स्लीपिंग, और उन्होंने ये देखा कि पूरे दुनिया भर के ट्रेजर्स उनके सामने लाए गए, प्रेजेंट किए गए. और प्रॉफिट मोहम्मद को ये कहा गया कि आप दो बैंगल्स पहने मेड ऑफ गोल्ड. प्रॉफिट मोहम्मद ने वो पहनी और उनको ऐसा लगा बर्डन है. ठीक है, ये और फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको ब्लो किया, फूक मारी, तो गायब हो गई. तो वो प्रॉफिट मोहम्मद ने इस ख्वाब की ताबीर ये बताई कि ये दो झूठे अफराद थे, जो दो बैंगल्स थी, जो जिसको सिंबलाइज करवाया गया मुझे अल्लाह ने बशारत की. वन ऑफ देम वाज अस्वद अंसी, ठीक है, एंड द अदर वाज मुस्लिमा. ठीक है, डज दैट मेक सेंस? ये सही मुस्लिम के अंदर हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, दो बैंगल्स वाली. ठीक है, प्रॉफिट कहते हैं, व्हाइल आई वाज स्लीपिंग द ट्रेजर्स ऑफ द अर्थ were presented to me and I was made wear two gold bangles. I felt burdened upon me and I was disturbed. And it was suggested to me that I should blow over them. So I blew, मैंने फूंक मारी, and both disappeared. I interpreted them as two great liars who would appear at any time. One is the Aswad एंड द अदर मुस्लिम. ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस है. ठीक है, अभी बात नहीं शुरू की है प्रॉफिट्स की, फॉल्स प्रॉफिट्स की, पढ़नी है, अभी बैकग्राउंड दिया है. ठीक है, इस जी बेटा नाम पहले ही बता दिए थे. ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद ने, अब आप सुने आगे. अभी ये एक इंटरेस्टिंग वाक्य है कि नाम कैसे पहले बता दिया, मैं थोड़ी देर में वो भी आपने उसको ज्यादा जिक्र करता हूँ. वो सुनान तिरमिजी में है इसका जिक्र, मैं थोड़ी देर में आता हूँ उसके ऊपर. ठीक है ना, इसी तरीके से इब्ने अब्बास से रिवायत है. ठीक है, अच्छा सेम ही रिवायत है सही मुस्लिम के अंदर. ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर हदीस कोड की बैंगल्स वाली, इसके दो नरेटर्स हैं, दो रावी मिल रहे हैं हमें. ठीक है, एक अबू हुरैरा हैं और दूसरे इब्ने अब्बास हैं. ठीक है, डज दैट मेक सेंस? अच्छा, प्रॉफिट की एक और ट्रेडिशन है जो मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूँ, और ये सुनान तिरमिजी में से है, सुनिएगा जरा. Verily, there will be 30 liars among my nation, all of them claiming to be a prophet, but I am the seal of the prophets. There is no prophet after me. सुनान तिरमिजी की ये रिवायत है. अब इब्ने अब्बास की मैं आपको डिटेल बताता चलूं, यहां पर मैंने नोट्स नहीं में नहीं डाला, सुनिएगा जरा. इब्ने अब्बास कहते हैं कि मुस्लिमा एक बार प्रॉफिट मोहम्मद के पास आया मदीने में मिलने. वो प्रॉफिट मोहम्मद से कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ प्रॉफिटहुड में शेयर चाहिए, मुझे भी अरब की जमीनें होल्ड करनी है, मुझे भी वेल्थ चाहिए, जिस तरीके से तुम लीडर हो मुझे भी तुम्हारा साथ, मुझे हाफ तुम्हारा 50% चाहिए. प्रॉफिट मोहम्मद एक घास की छोटी सी टुकड़ा मंगा मुस्लिमा को दिखाते, तुम इतने झूठे हो और इस किस्म की तुमने बात की है कि मैं तुम्हें ये भी ऑफर ना करूं. आसान जबान में समझा, समझ आई बात? मुस्लिमा एक बार आते हैं, मुस्लिमा एक बार आता है और प्रॉफिट मोहम्मद से हिस्सा मांग, और फिर उसके बाद अब आपको कॉन्टेक्चुअलाइज बना कि प्रॉफिट को ख्वाब आता है, उसमें बैंगल्स हैं, उसमें एक मुस्लिम है और दूसरा अस्वद अंसी है. डज दैट मेक सेंस? तो ये इब्ने अब्बास की ये रिवायत थी जो मैंने आपको, एक बार आता है मुस्लिम और खुला कहता है कि मुझे जो है ना वो, और फिर प्रॉफिट उसको कहते हैं कि ये जो जमीन का तुम तो मुझसे हिस्सा मांग रहे हो, ये प्रॉफिट, इट इज नॉट समथिंग दैट आई कैन गिव यू, इट इज समथिंग विच इज बेस्टोड बाय द डिवाइन.
अल्लाह जिसको चाहता है जितनी जमीन दे देता है, जिसको चाहता है जितनी शोहरत देनी होती है दे देता है। ये बैकग्राउंड था के फॉल्स प्रॉफिट्स की प्रेडिक्शन प्रॉफिट मोहम्मद ने पहले से ही कर दी थी। डज दैट मेक सेंस? बैंगल्स वाला आपको वाक्या फिर भी सुना मिलेगा, लेकिन ये सुनान तिर्मिजी के जो मैंने आपको बताया कि 30 लायर्स उठेंगे, 30 फॉल्स प्रॉफिट्स उठेंगे, और इब्ने अब्बास की यही रिवायत, दिस इज वेरी यूनिक, दैट विल गिव एन अपर एज टू योर आंसर, ठीक है। और आपको पता है कि फिर हमारे पास मुख्तलिफ फॉल्स प्रॉफिट्स उठते हैं, और ये कौन लोग होते हैं फॉल्स प्रॉफिट्स, किस इनका बैकग्राउंड क्या होता है? दे आर फ्रॉम द ट्राइब्स जो न्यूली कन्वर्ट हुए होते हैं, जो 9th and 10th AH के अंदर कन्वर्ट हुए होते हैं बेटा, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने इस्लाम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रीजन की वजह से कबूल किया होता है। जी बेटा, नॉट नेसेसरीली हिपोक्रेट्स, पॉलिटिकल रीजन की वजह से इन्होंने इस्लाम कबूल किया होता है कि हमें प्रेशर पड़ रहा है मुस्लिम उम्मा का, समझ रहे हैं आप बात को, तो इस वजह से, और इनको एसेंस सही से समझ नहीं आया होता है इस्लाम का। ये वो लोग हैं जिन्होंने कलमा तो पढ़ दिया है बजाय, लेकिन इस्लाम का एसेंस इनको समझ नहीं आया होता है, ठीक है। अल्लाह ताला नहीं कहता है कुरान में ए रसूल इन्होंने इस्लाम सरेंडर तो कर दिया है लेकिन इनके दिल में अब तक ईमान आया था, ये कुरान की, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आते हैं इसके ऊपर, बैकग्राउंड सबको समझ आ गया फॉल्स प्रॉफिट्स का। अगर नोट आए फॉल्स प्रॉफिट्स को किस तरह डील किया तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड पहले देंगे। अब हम आते हैं डिफरेंट फॉल्स प्रॉफिट्स जो राइज हुए, जिन्होंने जो है ना वो इस्लाम के अगेंस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम राइज हुए, ठीक है। उनमें से पहला मैं डिस्कस कर रहा हूँ अस्वद अंसी को। अल अंस एक ट्राइब है जिससे जो है ना वो ये बंदा था, ठीक है। अस्वद कहते हैं अरबी के अंदर काले को, किसको, हजरे अस्वद, अस्वद किसको कहते हैं, द ब्लैक इज ब्लैक, अस्वद कहते हैं ब्लैक को, ठीक है। इसका असल नाम क्या था, वी डोंट हैव रिलायबल सोर्सेज, लेकिन कुछ जो रिवायतें हमारे पास मौजूद हैं वो हमें ये बताती हैं कि हिज रियल नेम वॉज अबहाला बिन काब, ठीक है, हिज रियल नेम वॉज अबहाला बिन काब, ये अस्वद अंसी का असल नाम था। अस्वद मीन्स ब्लैक, अंसी क्यों कहते हैं, जैसे गिफार ट्राइब था तो अबू जर गिफारी, गिफार ट्राइब था, गफार नहीं था, सही है। इसी तरीके से जिस तरह अलाहाबाद का रहने वाला होता है तो अलाहाबादी, ठीक है ना, दिल्ली का होता है दहलवी, समझ रहे हैं बात को, और आगे चलिए कहीं और का रहने वाला कानपुर का तो कानपुरी कहते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह जगहों के ना, तो अरब क्या दस्तूर था अरबिक के, अंस ट्राइब जो है उसका ये बंदा था, जिस तरह मखजूम बनु मखजूम थे तो उसके लोगों को मखजूमी क्या कहते थे। अबू जहल का कौन सा ट्राइब था, बनु मखजूम, ठीक है, शाबाश, आगे चले। इनका एक, इसका एक और भी नाम, अच्छा ये चूंकि इसका चेहरा इतना पलीद था, इतना खतरनाक अगली टाइप था, अब जो गलत काम करता है तो फिर उसका अल्लाह ताला उसको देता है, ठीक है ना, ऐसे ही। तो ये एक व्हील रखता था, ये अपने आगे एक पर्दा रखता था, इस वजह से इसको कहा गया द व्हील्ड प्रॉफिट या द व्हील्ड वन, ठीक है, द व्हील्ड प्रॉफिट या फिर व्हील्ड वन। और कौन बताएगा इसको अरबी में क्या टाइटल था, जुहुल खिमार, क्या टाइटल था, जुहुल खिमार का मतलब होता है द व्हील्ड वन, ठीक है, क्योंकि ये अपना डार्क कॉम्प्लेक्शन अस्वदपना और अगली फेस लोगों से छुपाए फिरता था, और दूसरा एक इसका इंटेंशन ये था कि हम अगर चेहरे पे ढके रखूंगा तो लोगों के ऊपर ये इंप्रेशन पड़ेगा कि पता नहीं क्या मिस्ट्री है इसके चेहरे में, और मेरे प्रॉफिट उठ के क्लेम को वजन मिलेगा, समझ रहे हैं बात को, आर यू ऑल विद मी, श्योर, सब जाग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अस्वद अंसी ने काम किया था, बड़ा इंटरनेशनल काम किया था, इसने एक डोंकी को ट्रेन किया था, और डोंकी को इस तरीके से ट्रेन किया था, जब उस डोंकी के आगे ये बोलता था कि बो डाउन बिफोर योर लॉर्ड, वो झुक जाता था, सिट डाउन बिफोर योर लॉर्ड, तो वो डोंकी बैठ जाता था, ट्रेन किया था उस डोंकी को, उस एस को, उस खच्चर को। तो लोगों को ये क्या बोलता था, ये मैं क्या करके दिखा रहा हूं, ये मेरा मौजजा है, ये मेरा
मौजजा, इसी वजह से इसका एक और नाम पड़ा जूल हिमार, क्या नाम पड़ा, मास्टर ऑफ द एस, खच्चर, ठीक है, खच्चर का मास्टर, आप बड़े हो जाते, ठीक है ना, डज दैट मेक सेंस। सो यहां तक कोई क्वेश्चन है, सही है, और ये क्या नाम लेता था कि ये मेरे मिरेकल्स हैं, ठीक है, मेरे प्रॉफिट उठ गए मिरेकल्स हैं। सो इसने बहुत सारे लोगों को मिसलीड किया इस तरीके से, एंड ही वॉज एक्टिव इन द रीजन ऑफ यमन, ही वॉज एक्टिव इन द रीजन ऑफ, एक इसका क्लेम था और वो क्लेम ये था कि मुझे अल्लाह ताला रेवलेशंस भेजते हैं, मुझे गॉड रेवलेशंस भेजते हैं, ठीक है, वही सारे क्लेम्स करते रहेंगे। और इन्होंने यानी कि इसने मुसलमानों को जो अर्ली कन्वर्ट्स थे या जो दूसरे लोग थे, उन लोगों को बहुत सारी रिलीजियस रिलैक्सेशन दी। फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला ज़कात छोड़ दो देना, नमाज बल्ले छोड़ दो, तीन वक्त की कर लो, एक वक्त की कर लो, छोड़ दो, नहीं पढ़ो, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे इसको क्या फायदा हुआ, इससे इसको ये फायदा हुआ कि जो न्यू ट्राइब्स थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रीजन की वजह से इस्लाम कबूल किया था, वो लोग इसके फोल्ड में, अरे ये भी एक प्रॉफिट है, हाँ ये ठीक है, ये हमसे जबरदस्ती नमाजें नहीं पढ़वा रहा, ये हम पे बर्डन नहीं डाल रहा। तो इसने इस तरीके से जो है ना वो आर्मी तैयार की और अपना जो है ना वो हल्ला बोलना स्टार्ट किया। ही अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड नजरान, जगह का नाम है, ठीक है, और इसी तरीके से सना जगह का नाम है, ये दोनों जगह इसने फतेह की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टर्न है, ही अटैक्ड द रूलर ऑफ यमन। अगर इस्लामियात P1 आप लोगों को याद हो, ठीक है, ये शहर नाम था यमन के रूलर का, और ये शहर किसका बेटा था, बदहान का। बदहान कौन था जिसने प्रॉफिट मोहम्मद के कहने पर यमन के, याद है ना, लेटर्स लिखे थे प्रॉफिट मोहम्मद ने इनविटेशन टू इस्लाम, यमन के लीडर ने जो एक्सेप्ट किया था, यमन का वो कौन सा लीडर था जिसने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, बदहान, उसका बेटा था ये शहर। उसको अस्वद अंसी ने अटैक किया यमन में, उसको मारा, और शहर की जो वाइफ थी उसको जो है ना वो अपनी बीवी बना लिया, उसको जो है ना वो अपना बेगम, मार गए हस्बैंड को, उसको अपना जो है ना वो बेगम बना लिया, ठीक है, डज दैट मेक सेंस। लेकिन जो वाइफ थी इसकी, किसकी वाइफ, शहर की जो वाइफ थी, शी वॉज अनहैप्पी विथ हिम, तो उसने शहर यानी अपने हस्बैंड के कमांडर इन चीफ के साथ मिलकर, यानी कैस के साथ मिलकर, इन लोगों ने आपस में इसके अगेंस्ट प्लॉट किया और अस्वद को मारने की कोशिश, यानी इसके अगेंस्ट प्लॉट किया। डज दैट मेक सेंस। सो अच्छा, एक यहाँ पर दो नाम इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ क्योंकि बार बार रिपीट भी होंगे, नाम रिपीट होंगे, पर्सनैलिटीज अलग है, एक फिरोज, ठीक है, और एक कमांडर इन चीफ, शहर की आर्मी का कमांडर इन चीफ, दैट इज कैस। ये दो आपने नाम याद रखने, ये बार बार रिपीट होंगे, कौन कौन, नाम रिपीट होंगे, पर्सनालिटीज अलग हो जाएंगी, ठीक है, तो ये नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है, कौन कौन है, फिरोज का नाम याद रखना है आपने और कैस का नाम याद रखना है, ठीक है, नहीं याद रखते तो सर हमारा इस्तार नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, डज दैट मेक सेंस। लेकिन एडिशनली अगर 10 मार्क के ऊपर खाली फॉल्स प्रॉफिट्स पर आते हैं तो यू हैव टू यू नो राइट दिस। सो करता क्या है ये अस्वद अंसी, ये जो है ना वो बदहान के बेटे शहर को मारता है, इसकी विडो वाइफ से शादी कर लेता है, ठीक है, और जो मिनिस्टर होते फॉर्मर मिनिस्टर फिरोज और कमांडर इन चीफ कैस, इनको जो है ना वो अपनी पोस्ट से हटा देता है। तो ये तीन लोग, शहर की वाइफ, फिरोज और कैस, ये इसके खिलाफ जो है ना वो रिबेल करना स्टार्ट कर सकते करना स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है, इंटरेस्टिंगली होता यह है कि टेक्निकली अगर आप देखने को जाएं तो अस्वद अंसी ने मदीना के साथ अपना अलायंस ब्रेक कर लिया, यानी फॉल्स प्रॉफिटहुड क्लेम करने का क्या मतलब है, मैं खिलाफत को नहीं मानता। अब खिलाफत से जंग हो उससे पहले ही ये तीन इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं और इसको जो है ना वो मार देते हैं। डज दैट मेक सेंस, कोई मसला यहां तक, कोई इशू?
ये प्रॉफिट की डेथ से थोड़ा टाइम पहले का वाक्य है, ठीक है, ये प्रॉफिट की डेथ से थोड़ा टाइम पहले का वाक्य है। और कुछ रिवायतों में इस इवेंट को आगे की तरफ भी सिचुएट किया गया है कि हज़रत अबू बकर के टाइम का वाक्य है, बट इट डज नॉट मैटर अ ग्रेट डील। तो आप ये लिख सकते हैं, दोनों रिवायतें कोट कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट ये वाली कोट करें, आपका क्या ख्याल है, मैं कौन सी सजेस्ट करूंगा कि ये वाक्य हज़रत अबू बकर के इनिशियल डेज का है या प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ का? व्हाई? एक और स्ट्रॉन्ग रीजन है, मुआज बिन जबल को भेजा था ना यमन, याद है कियास की एग्जांपल दे रहा था, मुआज बिन जबल ने पूछा कि मैं कैसे फैसला लूं, भूल गए पीवन में, तो मुआज बिन जबल को यमन इस वजह से भेजा था, अस्वद अंसी के मैटर को देखने। कैसे कनेक्शन बनते हैं, सही है, डज दैट मेक सेंस? तो मुआज बिन जबल को इस वजह से भेजा था यमन कि अस्वद अंसी को देखो, लेकिन आपको मैंने इसके साथ बता दिया कि अस्वद अंसी कॉन्स्पिरेसी में मारा गया, अज़्द कैस और क्या नाम है इसका, फिर अज़्द का मैंने नाम लिया, मैंने अज़्द की वाइफ का नाम था, किसकी वाइफ का, शहर की, बदहान के बेटे की वाइफ का नाम था, इन तीनों ने कॉन्स्पिरेसी करके जो है ना वो इसको फारिग कर दिया। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, आगे चले। अच्छा, उसके बाद ये एडिशनल बातें आई वुड सजेस्ट कि बस सुन लो इसको, याद करने की जरूरत नहीं है। एडिशनल बात ये है कि जैसे ही इसकी डेथ हो गई अस्वद अंसी की, उसके बाद आप पूछे अस्वद अंसी के फॉलोवर्स काम में, तो अस्वद अंसी के फॉलोवर्स ने कैस को, अस्वद अंसी के फॉलोवर्स ने कैस को अपना लीडर बना लिया, और जो फिरोज था वो सच्चा मुसलमान था, उसने मुसलमानों की मदद ली, मुस्लिम आर्मी की मदद ली, और जो है ना वो कैस को डिफीट किया था, ठीक है। और फिरोज का पूरा नाम याद है किसी को? या अल्लाह, बताया था टाइटल के साथ आप लोगों को, बताया था फिरोज देलमी, देलम का है पर्शिया ईरान, देलम, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? तो ये पहली जो है ना वो प्रॉफिटहुड की जो है ना वो अगेंस्ट में फॉल्स प्रॉफिट थे, फॉल्स प्रॉफिट था अस्वद अंसी। कोई मसला यहां तक? नहीं, ठीक है, अगले प्रॉफिट के ऊपर आते हैं। सो दिस वाज अस्वद अंसी, नेक्स्ट इज तुलेहा बिन हुवैलद, ठीक है। पहले इसकी समरी करूं या इट्स फाइन कर दूं पहले वाले की? देखिए, आप इसके बारे में लिखेंगे कि अस्वद का मतलब होता है काला, ही वाज द वील्ड प्रॉफिट, अपने नकाब डालता था मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, और अगली फेस था, इस वजह से दो टाइटल्स मैंने आपको बताए, ठीक है ना। इसने एक डोंकी को ट्रेन किया था, और लोगों के सामने बोलता था उस डोंकी को, बो डाउन बिफोर योर लॉर्ड, वो बैठ जाता था, बोलता था ये मेरा मौजजा है, ये मेरा मिरेकल है, ठीक है ना। क्लेम ये करता था कि मुझे अल्लाह ताला यानी खुदा जो है मेरा वो रेवलेशन भेजता है, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे उल्टी सीधे बातें करता था। लोग इसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हुए? क्योंकि इसने जो है ना वो रिलैक्सेशन दी हुई थी, ज़कात छोड़ दो, नमाज कम कर दो, ये सारी चीजें, और दूसरा अट्रैक्शन वो झूठे जो है ना वो मिरेकल्स यू नो दिखा रहा था, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने बताया कि इसके इसने जो है ना वो अटैक्स करना स्टार्ट किए, आस पास की जगहें कैप्चर करना स्टार्ट की, ठीक है, सना का जैसे मैंने जिक्र किया, और प्लेसेस कैप्चर करना स्टार्ट की। उसके बाद होता ये, यमन के रीजन में ये एक्टिव था, वहां पर जो है ना वो प्रॉफिट मोहम्मद ने किसको भेजा? मुआज बिन जबल को भेजा। लेकिन अच्छा, मुआज बिन जबल के पहुंचने से पहले ही जो यमन का रूलर था, यमन का रूलर कौन था? शहर, ठीक है, किसका बेटा था? बदहान। तो बदहान का बेटा शहर, और शहर की वाइफ जो थी अज़्द, उसने, कैस ने, फिरोज ने मिलकर जो है वो कॉन्स्पिरेसी करके इसको मार दिया। इसके फॉलोवर्स जो थे वो किसके पास आ गए? फॉलोवर्स कैस के पास है। फिरोज देलमी जो था वो सच्चा मुसलमान था, उस पर्शिया से फारसी लैंड से इसका ताल्लुक था, उसने मुसलमानों की मदद ली, मुसलमानों की मदद के साथ जो है ना वो कैस को ख़त्म। तो अस्वद अंसी और उसके जो जो ये कैस वगैरह थे इनके, इनको जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया। Does that Shayan, is it fine for you? ठीक है, कुछ डिटेल्स हैं जो आप खुद बाद में, जैसे सना के बाद मैंने एक और नाम बताया था नजरान का, ठीक है, ये जगह उसने कैप्चर की थी।
So we'll let's move on. अगला जो हमारे पास दावा करने वाले हैं, that is तुलहा बिन खुवैलद. इनका ताल्लुक बनु असद से था. He belonged to बनु असद. किसी को पता है ये बनु, दो बनु असद थी, मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखा. ये बनु असद खुजैमा है, ये बनु असद खुजैमा है, नोट्स में नहीं लिखा, लिख लो. पूरी फीमेल अबू जहल हो तुम. ठीक है, आगे चलते हैं. इसका भी ये दावा था कि मुझे रेवलेशंस मिलती हैं. ठीक है, इसने बोला कि मैं जो है ना वो प्रॉफिट हूँ. ठीक है, और डेजर्टिक ट्राइब्स से लोग इसने अट्रैक्ट करना शुरू हुए, जैसे बनु गदफान, बनु असद, इनके लोग इसने बनु असद खुजैमा. ठीक है, इसने ये क्लेम किया कि मैं लोगों को मिरेकल्स करके दिखा सकता हूँ. ठीक है, इसने ये बोला अगर आपको मेरा यकीन नहीं आता तो मेरे कबीले के लोगों से जाकर पूछो, बनु असद खुजैमा के लोगों से जाके पूछो. एक बार हम लोग डेजर्ट में खो गए थे, मैंने इनको रास्ता बताया था और मैंने जो है ना वो वहां पर पानी पैदा किया था. बोला मेरे लोगों से जाके पूछो, मेरे ट्राइब्स के लोगों से, अगर आपको यकीन नहीं आता ये मेरे मिरेकल्स हैं. ठीक है, इसने मुसलमानों की प्रैक्टिसेस को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद को जब ये बात पता चली तो प्रॉफिट मोहम्मद ने इसके खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट किया. एक मुसलमान वॉलंटरीली प्रॉफिट की इजाजत से गया था, इसको कत्ल करने की कोशिश की थी, लेकिन ये समहाउ बच गया. तो इसने पता है क्या क्लेम किया कि देखो मोहम्मद की तो तलवार भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती. और जैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई, इसने बोला आई एम द लिविंग प्रॉफिट, और इसने ये प्लान किया कि अब जो है ना वो मैं मदीना को अटैक करूंगा. Does that make sense? पहले खुद के बनाए हुए क्लेम्स किए, फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने जब इसकी नोटिस लिया, इसका एक मुसलमान गया, उसने इसको मारने की कोशिश की, वो समाओ ये बच गया, तो इसने क्या क्लेम किया कि मुझ पर सॉर्ड भी असर नहीं करती है. ठीक है, तो ही क्लेम दैट नो सॉर्ड कुड हार्म मी. उसके बाद इन जुलाई 1613, ठीक है, हजरत 1613 ऑफ कोर्स एडी की बात हो रही है, सही है, हजरत अबू बकर ने एक आर्मी रेस की, उसमें प्रोमिनेंट कंपेनियंस हजरत अली, तला, हजरत जुबैर, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत तला, ये सब उसमें शामिल थे. और इस फाइट को कहा जाता है जुहुल किस्सा. ठीक है, बैटल ऑफ जुहुल किस्सा जगह का नाम है. ये दो सेम नाम है, इसको याद कर लो, बड़े आसान है. पहली बैटल हुई जुहुल किस्सा पर, वहां से तुलहा हारा और ये गया जुहुल किस्सा. जुहुल किस्सा पे पहली बैटल हुई, हार गया, गया जुहुल किस्सा. जुहुल किस्सा पर भी जो है ना वो इसका मुंह काला हुआ. ठीक है, लेकिन इस बार हजरत अबू बकर ने री इन्फोर्समेंट भेजी थी बेस्ट मुस्लिम मिलिट्री जनरल हजरत खालिद बिन वलीद. 632 के अंदर, 632 एडी के अंदर तुलहा ने जो है ना वो मदीना को अटैक करने का सोचा था, तो हजरत अबू बकर ने री इन्फोर्समेंट भेजी थी, हजरत खालिद बिन वलीद को अपॉइंट करके भेजा था कि आप जाएं और इसको जो है ना वो क्रश करें. और इसको हम बोथ आर्मीज मेट एट द बैटल ऑफ वजाका, इसको और उसमें जो है ना वो मुसलमानों को फतेह हासिल हुई थी और तुलहा को जो है ना वो हार जो है ना वो रिसीव हुई थी. एक इंटरेस्टिंग बात क्या है इस बैटल का जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये जंग में बैटल ऑफ इस जंग के अंदर खालिद बिन वलीद और इसकी आर्मी जब मिले तो ये ना जंग से बाहर आ गया और एक जगह बैठ गया मेडिटेशन में. आर्मी को बोला आप लड़ते रहो, मैं मेडिटेशन में बैठा हुआ, क्योंकि मुझे आप तब तक लड़ते रहे ना जब तक मैं आपको रोकू नहीं, क्योंकि मुझे अभी रेवलेशन मिलने वाली है. इतना पिट रही थी इसकी आर्मी खालिद बिन वलीद ने, मतलब समझ गए ना, अगर खालिद बिन वलीद ने पूरी आर्मी के चीतड़े चीतड़े कर दिए थे, ये रेवलेशन में बैठा हुआ था. इसका कमांडर इन चीफ बोलता है, जिसका मिलिट्री जनरल आर्मी जनरल कहता है कि भाई एक दफा गया, क्या हो गया, कौन सी ऐसी रेवलेशन है जो आके नहीं दे रही है, दूसरी बार, तीसरी बार. जैसे ही फिर इसको यकीन हो गया इसके मिलिट्री जनरल को कि ये झूठा है, इसको कोई रेवलेशन आनी नहीं है, उसने बीच में ऐलान कर दिया कि हजरत खालिद बिन वलीद को बोल दे कि हम नहीं लड़ना चाहते, तुलहा झूठा है. इतने में तुलहा और इसकी बीवी फौरन धूम दबा के वहां से भाग गए. ठीक है, does that make sense? And they retired into Syria. ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? उजैना नाम था इसके
कमांडर इन चीफ का, ठीक है। कुछ चीजें लिखी हैं, कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ तो वो इसमें नहीं है। बैटल ऑफ बुजागा के डिटेल्स हैं इसमें, उज्जैन आगे भी डिटेल्स हैं इसमें, सो यू डोंट नीड टू राइट देम डाउन, ठीक है। डज दैट जी, हाँ बिल्कुल, उनकी गलती नहीं थी, गुमराह किए गए थे, ठीक है। तो इसकी तुलया की आर्मी इस तरीके से खत्म होती है, अपनी वाइफ के साथ भागा कहाँ पर, सीरिया की तरफ, ठीक है। लेटर ऑन आपको पता होना चाहिए हजरत उमर के टाइम पर इसने इस्लाम कबूल कर लिया था, ना सिर्फ इस्लाम कबूल किया, सॉरी वेरी गुड, बैटल ऑफ जालूला है, कादसिया है, नहविंद है, ये सारी जंगों में जो है ना वो इसने जो है ना वो पार्ट लिया था। Does that make sense? बहुत सारी एक्सपीडिशन में से नहवन की जंग है, इसके अलावा नहवन के अलावा और जालूला में लिया था, खादसिया में लिया था, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट तुलेहा, डज दैट मेक सेंस, आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? तो तुलेहा बिन फुवैलद का ये किस्सा था। समरी करनी है या इट्स इजी? सही है, फाइन है, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, एक एक दफा में फॉलो करते जाएं, ठीक है। अब आ जाए सज्जा बिनते हारिस, शी वॉज द ओनली प्रॉफिटिस, ये फीमेल थी, ये कौन थी? फीमेल। इसने बोला कि इसने दावा किया प्रॉफिटिस होने का कि मुझे जो है, अच्छा आप खूबसूरत भी थी, शायराना मिजाज भी था, तो लोग हवस में भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, और पोइट्री से कम तो बात ही नहीं करती थी, वर्सेस में बातें करती थी शेर व शायरी के अंदाज में, तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, शेर व शायरी करके ये नाम रखती थी कि ये रेवलेशंस है, क्योंकि कुरान इज अ पोइट्री, तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुए। कोई 4-5 हजार की इसने फॉलोशिप बनाए, फॉलोवर्स बनाए, 4-5 हजार इंडिविजुअल इसके फॉलोवर्स बने। इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्यों? क्योंकि ये फीमेल थी। आगे चलते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह, बहुत सारे लोग ये कहते हैं इसका ताल्लुक बनो तमीम से था। मैंने बहुत सारी सोर्सेज स्टडी करने के बाद मैं ये समझता हूं इसका ताल्लुक बनो तगलीब से था, बनो तमीम से नहीं था। आप दोनों बातें कोट कर सकते हैं, और दलील है हमारे पास कि इसका ताल्लुक बनो तगलीब से था, ठीक है। आप दोनों बातें लिखिएगा कि बनु तमीम, कुछ सोर्सेस कहती है बनु तमीम से था, कुछ सोर्सेस कहती है बनु तगलीब से था। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कि इसका ताल्लुक बनु तगलीब से था, ठीक है। मेरे पास दलाइल है साबित करने के लिए इस बात को, ठीक है। इब्ने कसीर की हिस्ट्री पढ़ लें, इब्ने कसीर ने लिखी है ना किताब, पढ़ लें, आप जाए पढ़ लें, अरबी आती है पढ़ लें जाके, ठीक है, माफी मांग रहे, ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस वजह से, तो बच्चों मुझे बताओ ये जो सजा थी इसकी रेपुटेशन के बेसिस क्या थी? शी वॉज एन एक्सेलेंट पोएट, शी वॉज अ सूथसेयर, फेमस फॉर फॉर्चून टेलिंग, पाम इस तरीके की किस्म की शख्स थी ये, औरत थी, और शी वॉज वेरी अट्रैक्टिव, ब्यूटिफुल, तो लोग इसकी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट करते गए, ठीक है। तो इसने कुछ 4-5 हजार लोगों का कल्ट बनाया, फॉलोअर्स बनाए, कल्ट कहते हैं एक अलग तरीके का मजहब क्रिएट करने को, ठीक है, डज दैट मेक सेंस, 4-5 हजार लोगों का, और उसने ये प्लान किया कि मैं मदीने को अटैक करूं, मैं क्या करूं, मैं 4-5 हजार लोगों के साथ, चलो भाई अटैक कर लो। जैसे ही इसने अटैक का प्लान किया, थोड़ा बहुत मूवमेंट्स करने की कोशिश की, इसको ये खबर आई कि अभी खालिद बिन वलीद ने तुलेहा को जंग में मारा है, तो ये ठंडी पड़ गई। फिर एज एन अल्टरनेटिव इसने ये डिसाइड किया कि मैं मुस्लिमा से फाइट करूं, लेकिन समहाउ चूंकि दोनों का एम सेम था, तो दोनों आपस में म्यूचुअली अग्री करते हैं कि यार आपस में फाइट करने की जगह हमारा एम क्या होना चाहिए, टू अटैक मदीना। ये मुस्लिमा से शादी करती है, उसकी प्रॉफिटहुड कबूल करती है, और अपनी आर्मी मिला देती है किसके साथ, विद द आर्मी ऑफ मुस्लिमा। डज दैट मेक सेंस, कोई मसला यहां तक? जी हाँ,
हाँ बिल्कुल ये रिवायत सही है, लेकिन 40,000 इज एन एग्जैजरेशन, ठीक है। ये ठोकम ठोकी है, 4,000 सही है, उतना तो उस वक्त का पॉपुलेशन का वो नहीं बनता यार। अभी ये जो 40,000 वाले बेटा फिगर है ना, ये हजरत उमर के टाइम के फिगर है, ठीक है। इट वॉज 4,000। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बैटल ऑफ यमामा के अंदर कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं, लोग तो कुफार भी आ जाएंगे, हुफाज कितने शहीद हुए, और नॉर्मल बच्चे मेजोरिटी बच्चे लिखते 70+ हुफाज, हमारे पास ऐसी सोर्स है जिसमें लिखा है 400 या 500 हुफाज मरे, देखें समझ रहे हैं आप बात को। तो ये सोर्सेज मैटर नहीं करती इतना ज्यादा, दीज आर डिफरेंट ट्रेडिशंस, यू कैन कोट देम। कोई मसला है यहाँ तक? एक सेकंड जो है ना वो अच्छा अब आगे चलते हैं, और हम आगे आते हैं। तो इसने जो है ना वो मुसलमा के साथ, असल में हम मुसलमा के नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये इसके ऊपर एक कॉन्ट्रोवर्सी है, कभी बाद में बताऊंगा, अभी रिकॉर्डिंग करा नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इसने जो है ना वो प्रपोज किया, उसके बाद शादी हुई, उसने जो है ना वो उसकी प्रॉफिटहुड को एक्सेप्ट, मुसलमा के प्रॉफिटहुड को एक्सेप्ट। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात सुने, फिर ये कहती है कि मुझ पर जादू कराया हुआ था, मैं हिप्नोटाइज किया था मुसलमा ने मुझे, वरना तो मैं कभी मुसलमा से शादी नहीं करती। बहरहाल कहने का मकसद ये है, सजा बिनते हारिस ने मुसलमा अपना खुद प्रॉफिट इज क्लेम जो है ना वो उसको थोड़ा सा सप्रेस किया, और किसको सपोर्ट किया, शी सपोर्टेड किसको सपोर्ट किया, मुसलमा को। डज दैट मेक सेंस, ठीक है। और फिर उसके बाद इट इज सेड दैट शी वेंट टू इराक, और फिर जब इराक की मुसलमानों ने कैप्चर करना स्टार्ट किया इराक को, तो शी एक्सेप्टेड इस्लाम। अभी बताने नहीं चाह रहा वाकया, जंगे खंदक के टाइम एक वाकया सुनाया था तुम लोगों को, पी वन नोट्स में नहीं लिखा यहाँ पे, मैंने यहाँ ऐड नहीं किया, जस्ट टू चेक यू कि आप पी वन आप लोगों को कितना याद। प्रॉफिट एक बड़ा स्टोन आया था, वो टूट नहीं रहा था, तो प्रॉफिट को बोला गया था अब ये आप ही तोड़े, उन्होंने एक मारा और कहा कि पर्शिया फतेह कर लिया हमने, दूसरा मारा बाइजेंटाइन फतेह, प्रिडिक्शन दी थी कि ये दोनों इस्लाम के उसमें। अब हमारे पास जो अगला जो है ना वो झूठे दावा करने वाला है, दैट इज मुस्लिमा, ठीक है, और उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक। मुस्लिमा इब्ने कज़हाब, या इसको मुस्लिमा इब्ने हबीब भी कहा जाता है, ठीक है। He was the strongest false prophet. ये सबसे ज्यादा strongest false prophet था जो rise हुआ था, ठीक है। He was from the tribe of Banu Hanifa, ठीक है। और कौन से region में था ये? आप सबकी favorite battle हज़रत अबू बकर के time की। He was from the region of Yamama. He was from the region of, yani it's central Arabia. मक्का मदीना से कम से कम 500 मील की दूरी पर है ये। मक्का मदीना से कितने मील की दूरी पर है? 500 मील्स की दूरी पर है, ठीक है। ये नहीं लिखा अपने पास, लिख लेना इस बात को, ठीक है। इट इज
अरेंजमेंट करते हैं इस तरीके से कि मुस्लिमों की आर और पूरी रात वहां करते हैं कि अल्लाह ताला सपोर्ट
सजा के भी बंदे मिले हुए हैं। खैर बार आ होता ये है कि मुसलमान इनसे जंग करते हैं, और हजार से ज्यादा सहाबा शहीद होते हैं, कुछ से चार हजार False prophets of Jesus.